बस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रेज़ी पिज़्ज़ा। ये बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। सबसे पहले ये हमने लिया मिल्क पाउडर, हमें चाहिए ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून, और शुगर हमें चाहिए ये तकरीबन मैंने लिया 1 टीस्पून, ईस्टर्न ईस्ट लिया मैंने ये तकरीबन है 1.5 टीस्पून, मतलब 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून आपने लेनी है। और ये मैंने लिया है नमक, ये हमें चाहिए 1 टीस्पून, और ये मैंने पानी लिया है ये तकरीबन है 1 कप से थोड़ा सा कम, मतलब 250 ml है ये पानी। 3 टेबल स्पून मैंने लिया मेल्टेड बटर, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है 380 ग्राम मैंने लिया मैदा, और ये छान कर लिया है। ये हमने बाउल ले लिया, ये बाउल ले लिया हमने। इसमें सबसे पहले आप डाल दें पानी, ईस्ट, चीनी और मिल्क पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए, इसको छोड़ दें इसी तरह। 10 मिनट हो गए हैं, इसमें हम डाल देंगे मैदा। इसको मिक्स कर लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अगर मिल्क पाउडर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप मत डालें। अब इसमें हम डाल देंगे बटर, मेल्टेड बटर है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब इसको अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे। इसको आप अच्छी तरह गूंथ लें, सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेंगे हम। हमने जो डो है वो तैयार कर लिया, अभी यही बाउल ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दें अच्छी तरह। ये डो हमने डाल दी, इसमें थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर दें, इसके ऊपर भी ऑयल लगा दें। आप इसको कवर कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह आप कवर कर दें और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे 1 अदर टमाटर मैंने लिया है, इसको मैंने बारीक छोटा छोटा कटिंग कर लिया, और इसके जो बीज थे वो रिमूव कर लिए हैं। शिमला मिर्च लिए, इसको भी बारीक छोटा छोटा कटिंग कर लिया, इसके भी बीज जो हैं वो रिमूव कर लिए। और 1 टीस्पून हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से मैंने 1 कप छोटा मैंने लिया है ये ऑलिव्स का लिया है, आप इसकी जगह ग्रीन ऑलिव्स भी ले सकते हैं। और 1 छोटा कप हमें चाहिए चिकन का, ये मैंने क्यूब्स में चिकन कटिंग कर लिया है। और हल्दी हमने लिया है ये तकरीबन है 1/4 टीस्पून, काले मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, और ये ओरिगैनो है, ओरिगैनो ये मैंने पाउडर में लिया है, अगर आपके पास लीव्स हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओरिगैनो मैंने लिया तकरीबन 1/4 टीस्पून, और नमक है हसबे जायका, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी लाल मिर्च हमें चाहिए ये तकरीबन मैंने लिया 1 टीस्पून, और ये चेडर मोज़रेला चीज़ मैंने लिया तकरीबन है ये 2 कप। और ये जो डो है ये मैंने 2 घंटे रखा था डो को, ये बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। हमने पैन ले लिया, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दें,
तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट हो गया। अब इसमें आप डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही इसको थोड़ा सा पका लें। स्पाइसेस, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, 1/4 कप के करीब हमने पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाले जो हैं अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और जो चिकन है वो भी हमारी अच्छे से गल जाए। इस दौरान आप चेक कर लें, अगर आपको नमक और मिर्च कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको कवर करके छोड़ दें ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक हमारा जो चिकन है वो पकता है, तब तक हम जो लो है थोड़ा सा हाथों को मैदा लगा लें, डो जो है वो चिपके ना। बहुत अच्छे से ये राइस हुई है डो हमारी। तो 1-2 मिनट फिर से गून लें। डो को हमने अच्छी तरह गून लिया। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने स्क्रैपर लिया है, इस पर थोड़ा सा मैदा लगा दें ताकि ये इजीली चिपके ना साथ। 2 हिस्सों में डिवाइड, एक हिस्सा हमें कम चाहिए और एक ज़्यादा चाहिए। अब इसके पेड़े बना लें इस तरीके से। हमने 2 पेड़े बना लिए, अब इसको हम कर देंगे साइड पर और इसको हम बेल लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया ताकि ये चिपके ना। अब इसको आप बेल लें। ये रोटी को हमने बेल दिया, अब इसको तवे पर डालेंगे। ये रोटी को मैंने तवे पर डाल दिया, अब इसको हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा पकाना है। तो देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए साइड जो है इसकी चेंज कर दी है, बस इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। जो रोटी है वो भी हमने बना दी है, बस इस तरह की होनी चाहिए। पूरी आपने पकानी नहीं है रोटी। अब ये फिर से हमने जो वो पेड़ा एक बना कर रखा था वो ले लिया, अब इसको हम बेल लेंगे। हमने कवर करके रख दिया था दोबारा से, अब इसको बेल लें। अब ये थोड़ा सा हाथों को मैदा लगा लें। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें और इसको बेल लें। अब बड़ी सी रोटी बना ली है, अब पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको पहले ग्रीस कर लें। मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में डाल दी है और आपने इसको अच्छी तरह ग्रीस करना है ताकि ये नीचे चिपके ना। अब इसको थोड़ा सा फैला दें। ये रोटी हमने बड़ी बनानी है,
ये सारी हमने फैला दी, सारा हमने इसको फैला दिया। अब चीज़ लेंगे, सारी इसमें डाल दें। अगर चीज़ स्लाइस है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह इस पर चीज़ फैला दें। सारी चीज़ हमने लगा दी है, इसके थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दें। ओरिगैनो हमने स्प्रिंकल कर दी है। अब ये जो हमने रोटी बनाई थी, ये मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये पहले इसकी रोटी बना ली थी। अब इसको इसके साथ इस तरीके से करते हैं। इसको अच्छी तरह फोल्ड कर दें। इसको हमने अच्छी तरह इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। आपने इसको प्रेस करके एक दफ़ा प्रेस भी कर लें, या फॉक से आप इस तरह कर लें। मैंने फिंगर से इसको अच्छी तरह बंद कर दिया। अब ये फॉक लिया है, इस तरीके से इस पर ये मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, इसलिए मैंने रोटी को पका लिया। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप रोटी को ना पकाएं। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। इसको अच्छी तरह आप लगा दें। हमने इसको अच्छी तरह पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया। अब फिर से चीज़ लेंगे, अब इसको लगा दें आप अच्छी तरह। ये सारी चीज़ हमने लगा दी है। अब ये टमाटर नहीं है, इसको लगा दें। अगर आप अनियन भी लेना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। टमाटर लगा दें, शिमला मिर्च है ये आप लगा दें। ये ऑलिव्स मैंने लगा दिए हैं। आप जो ग्रीन ऑलिव्स हैं वो भी लगा सकते हैं। अब ये चिकन लिया है, ये आप लगा दें। छोटी छोटी बोटी करना चाहते हैं तो छोटी कर दें। ये चिकन हमने लगा दिया। अब ये एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह बीट कर लिया। ब्रश ले लिया, इसको साइड्स पर इसके लगा दें। ये सारा अंडा हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, हाथों से ज़रा इस तरीके से आप कर लें, बिल्कुल साफ लग जाए। अब इसको स्प्रिंकल कर दें ओरिगैनो थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स। ये कुटी लाल मिर्च होती है, ये थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें बस। इसको पतीले में रखेंगे। इसको मैंने पतीले में रख दिया और पतीले को मैंने तकरीबन 25 मिनट प्रीहीट किया था अच्छी, और अब इसको बेक करें तकरीबन 40 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा जो है हमारा वो अच्छे से बेक हो चुका है। इसको अब इसको निकाल लें। पिज़्ज़े को हमने निकाल लिया, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको निकालते हैं पिज़्ज़ा ट्रे से। थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसको कटिंग कर लेते हैं। पिज़्ज़ा कटर ले लें,
कटिंग कर ली है। ये देखिए एक स्लाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखिए बिल्कुल ये कुक है, नीचे से भी बहुत अच्छे से ये बेक होगा। क्रेज़ी पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।